हेलो फ्रेंड्स, आज मैं कढ़ी की बहुत ही टेस्टी रेसिपी लेकर आई हूँ। तो आज मैं कढ़ी को मारवाड़ी स्टाइल में बनाने वाली हूँ। ये खाने में बहुत ही टेस्टी होती है, इसको बनाना भी बहुत ही आसान है और इसकी मैं बहुत ही आसान वाली रेसिपी लेकर आई हूँ। तो इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करना और वीडियो को लास्ट तक देखना। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक बड़ा सा बर्तन लेंगे और इसमें एक बड़ा चम्मच बेसन का डालेंगे और दो बड़े चम्मच इसमें दही के डालेंगे। आप चाहें तो दही की जगह पे छाछ का यूज भी कर सकते हैं। इसके साथ ही थोड़े से इसमें मसाले डालेंगे। तो एक चम्मच इसमें हल्दी पाउडर डालेंगे, एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर और टेस्ट के हिसाब से नमक। तो मैं इसमें एक चम्मच नमक ऐड कर रही हूँ। इन सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो ये मैंने इनको अच्छे से मिक्स कर दिया है। अभी इसका हमें घोल बनाना है तो इसमें पानी ऐड करेंगे। तो पानी जो है वो थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, इसको मिक्स कर देंगे। तो अभी ये काफी थिक है तो इसमें दो गिलास पानी और ऐड करेंगे और इसको भी मिक्स कर देंगे। इसको अभी हम साइड में रख देंगे। कढ़ाई को गरम करेंगे, दो चम्मच इसमें देसी घी डालेंगे। आप चाहें तो इसकी जगह पे ऑयल का यूज कर सकते हैं। और एक चम्मच इसमें सरसों के दाने डालेंगे, एक चम्मच मेथी के दाने डालेंगे और एक चम्मच जीरा डालेंगे। इनको थोड़ा सा भून लेंगे। उसके बाद दो इसमें तेज पत्ता डालेंगे, चार हरी इलायची डालेंगे और फिर इसमें हरी मिर्ची डालेंगे। तो दो मैं साबुत हरी मिर्ची डाल रही हूँ और दो से तीन बारीक कटी हुई हरी मिर्ची। और इसको थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। एक बार इसको चला देंगे ताकि ये जले नहीं। तो ये फ्राई हो गया है। इसके बाद इसमें जो बेसन का घोल हमने बनाया था वो डालेंगे। इस टाइम पे गैस को मीडियम रखेंगे क्योंकि दही जो है वो फटने का डर रहता है। तो इसको डालते ही तुरंत चलाना स्टार्ट करेंगे और इसको चलाते हुए पकाएंगे जब तक कि इस पे बॉयल नहीं आ जाता। इस टाइम पे थोड़ी सावधानी रखने की ज़रूरत है। अगर इसको लगातार नहीं चलाएंगे तो दही फटने का डर रहता है। तो उबाल आने तक इसको पकाएंगे ऐसे ही। अगर आपको लगे कढ़ी गाढ़ी हो गई है तो थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हैं इस टाइम पे। कढ़ी में उबाल आ गया है, अभी इसको 15 से 20 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे और इसको बीच बीच में ऐसे ही चलाते रहेंगे। तो कढ़ी को जितना पकाएंगे वो उतना ही टेस्टी बनेगी और जितना इसको पकाएंगे ये गाढ़ी होती जाएगी। तो आप देख सकते हैं कढ़ी जो है वो काफ़ी थिक हो चुकी है और ये बन करके तैयार भी हो गई है। अगर आपको कसूरी मेथी का टेस्ट अच्छा लगता है तो इस टाइम पे कसूरी मेथी एक चम्मच इसमें ऐड कर दें। अभी हम तड़के की तैयारी कर लेते हैं। तो दो चम्मच देसी घी डालेंगे और इसको गरम कर लेंगे। इसके बाद इसमें एक चम्मच जीरा डालेंगे, जीरे को थोड़ा सा भून लेंगे और दो इसमें लाल मिर्च ऐड करेंगे और दो चुटकी इसमें डालेंगे हींग। इसके साथ ही एक चम्मच इसमें लाल मिर्च पाउडर डालेंगे और थोड़ा सा इसको फ्राई कर लेंगे। तो तड़का जो है वो बनकर तैयार हो गया है। अभी हम इसको कढ़ी में डालेंगे। तो एक बार इस रेसिपी को ट्राई करके ज़रूर देखिए, बहुत ही टेस्टी कढ़ी बनती है और बनाना बहुत ही आसान है। इसको आप चाहें तो इसमें बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल सकते हैं, थोड़ा सा हरे धनिए से कढ़ी में बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। अभी इसको एक कटोरी में सर्व कर लेते हैं। आप इसको रोटी, पराठा, नान, राइस किसी भी चीज़ के साथ में खाइए और इसमें दो चम्मच देसी घी डाल करके इसको सर्व करिए। बहुत ही मज़ेदार कढ़ी की रेसिपी है ये। आप एक बार इसको ज़रूर ट्राई करना और मुझे कमेंट करके भी बताना कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।